एवन हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में आपको मधुबनी टू मुजफ्फरपुर का टूर करवाऊंगी। मैं अभी मधुबनी में हूँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ मुजफ्फरपुर। ये रेलवे कार्ट वहाँ की निशानी है जो बनी होती है रेलवे स्टेशन पे। अब मैंने यहाँ डायरेक्टली मैं कोर्ट का दिखाऊंगी बिकॉज ये कोर्ट का गेट है और मैं डायरेक्टली अब कोर्ट रूम में हूँ। और यू नो 9 बजे 6 से 9 बजे की मैंने ट्रेन ली थी और 9:30 बजे तक मैं पहुँच गई थी और उसके बाद कोर्ट सोना सा था उस टाइम। और 10:15 तक भी कोई नहीं आवा था, मीन्स न कोर्ट बैठी हुई थी, न जज थे, न क्लाइंट थे, न वकील थे, रीडर वगैरह भी नहीं थे। बहुत देर के बाद रीडर वगैरह दिखे और वो आए और वहाँ विटनेस बॉक्स वगैरह को ये रेड कपड़ों से कवर किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि अभी जज के आने में टाइम है, यू नो। और फिर वो अपनी फाइल्स वगैरह को अरेंज करने लगे। तो ये था यहाँ का कोर्ट और यहाँ बहुत डिफरेंट लगेगा आपको। तो वेल, अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर मार्केट देखते हैं। ये है मार्केट जो मुझे फरीद भाई, मतलब मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है, उन्होंने, उनका सबसे पहले थैंक्स, उन्होंने पूरा होल डे ही बस विद अस, उन्हें सारा मतलब हमें टूर करवाया मुजफ्फरपुर का, क्योंकि मुझे कुछ काम भी था मुजफ्फरपुर में। और ये यू कैन सी द मार्केट, इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो ये ऐसा सा लग भी रहा है। और ये मुजफ्फरपुर में एक जगह मैं गई थी जो रिश्तेदार भी लगते हैं हमारे, और वहाँ पे हमें ना प्लॉट देखना था बिकॉज वहाँ पे प्लॉट लेने का सोच रहे थे। तो ये वहाँ का हमें वो दिखा रहे, ये मेरे रिश्तेदार का घर है तो उनके आसपास का ये प्लॉट है जो वो हमें दिखा रहे थे। और इन सब में फरीद भाई हमारे साथ थे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक उन्होंने ड्राइविंग करी थी, 12:30 बजे तक। और ये है फरीद भाई के घर के बगल में दारुल उलूम। दारुल उलूम वो होता है जहाँ मुस्लिम के रूल रेगुलेशन फतवे वगैरह जो समझ नहीं आते वो वहाँ से लेते हैं, मतलब वहाँ के लॉज वगैरह बनते हैं यहाँ पे और वो हमें बताते हैं। तो ये है, उनके घर के बगल में था तो मुझे पता नहीं था कैसा होता, तो मैं अंदर गई थी, देखा सेम बिल्डिंग सी है एंड ऑल, मदरसों जैसा लग रहा था। वेल, उसके बाद ये भाई की गाड़ी है, हम वेट कर रहे हैं, फिर हम मतलब भाई वेट कर रहे हैं मेरी, फिर हम गए और उसके बाद फिर हम निकल गए थे मधुबनी। बिकॉज सेम डे हमें मुजफ्फरपुर से मधुबनी भी जाना था एंड दिस वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट। और मेरी ट्रेन भी मिस हो गई थी, मैंने सोचा ट्रेन से जाएंगे बिकॉज वो बहुत ही ईजी लगता है, बट फिर हम मुजफ्फरपुर घूमते हुए गए मधुबनी। और मधुबनी में आपको बताती हूँ आयरा और एंजल क्या करी थी। तो ये आयरा आराम से अपनी काका और नायलू के साथ घूम रही थी। ये वहाँ का है डिज्नीलैंड जहाँ से वो दोनों इंजॉय कर रहे थे, खूब घूम घूम करके आई मस्ती करके, क्योंकि मेरा दिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, जैसे लाइक दिल्ली की तरह था। एक दिन कोर्ट जा रही थी, फिर एक दिन ये कहते घर पे रेस्ट कर रही थी, फिर नेक्स्ट डे कोर्ट जाना होता था, तो यू नो इस तरह का था। और ये एंजल का मैं दिखा रही हूँ कि एंजल ने फर्स्ट टाइम ई रिक्शा में बैठी और कितने मज़े में, ऐसा लगता है सच में उसने ई रिक्शा पकड़ा हुआ है, मतलब सी वॉज यू नो नोन ऑफ इट। उसके बाद ये एंजल एक्सीलेटर पे भी नहीं डरती है, तो लगता है आजकल के बच्चे सच में भी बहुत वाले बच्चे हैं। और ये अब हम पहुँच गए थे, 7 डेज बीत गए कैसे पता ही नहीं चला। और मुझे पूर से हयाज जी को ट्रेन पकड़नी थी, तो मुझे आयरा और एंजल को यहाँ से पकड़नी थी। तो भाई ये अनु है, 10 बजे हमें रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था जबकि 5 बजे की ट्रेन थी और ठंड की वजह से वो ट्रेन दिखा रही थी पहले 5 घंटे लेट, तो हम 10 बजे आ गए थे बिकॉज हमारा घर ना बहुत पास है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है, तो हम ठंड बहुत थी तो इसीलिए हम मतलब 10 बजे आए थे कि आते ही चले जाएंगे। बट यहाँ के पता चला कि अभी और लेट होने वाली है, फिर अनाउंस हुआ कि ट्रेन और लेट आएगी, कम से कम वो ना 4 बजे सुबह में आएगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चला रेलवे स्टेशन पे ना लड़ाई वड़ाई हो गई है, फिर उसके बाद अनाउंस हुआ कि नहीं 12:30 बजे तक आ जाएगी। फिर भी हमें ट्रस्ट नहीं था, तो भाई ना बार बार चेक कर रहा था कि अगर मतलब 4 बजे आएगी ना तो फिर हम घर चले जाएंगे गाड़ी में सारे सामान छोड़ करके और उसके बाद आराम कर लेंगे, फिर आराम से आ जाएंगे। बट पता चला कि नहीं, वहाँ से ना ट्रेन मैप पर दिखा रही थी कि वो खुल गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय करा एंजल को के साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि वो उसे ठंड वाड़ने लग जाए, डर लग रहा था। और फिर फाइनली 2 घंटे वेट करे हमने, फिर भी रेलवे स्टेशन 10 बजे गए थे और 12:30 बजे ट्रेन ली। और फिर आप यहाँ की लैंग्वेज में B1 हमारी है मैथिली लैंग्वेज, चलो चलो तो आगे चलो। और उसके बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली, और दिल्ली हम पहुँचे थे वो भी रात में पहुँचे थे, ठंड के टाइम 1 बजे पहुँचे थे। और पता है सारे कैब वाले इतने बदतमीज़ हो रहे थे कि पूछो मत, जिसको भी फ़ोन करो कैब वाला कोई आ ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हमने पता ही क्या करा, आधा 1 घंटा इंसिस्ट करने के बावजूद भी जब कोई नहीं आया ना तो गुस्सा आया, फिर हमने कंप्लेंट डाली उबेर और ओला को,
उसके बाद हमने क्या कहते हैं ऑटो करा, बट ऑटो वाला अच्छे इंसान था, उसने सब कुछ अच्छे से ऑटो को कवर कर दिया था बिकॉज एंजल थी एंड यू नो आप देख रहे थे इन्जॉय कर रही है वो उसका, फिर उसने अच्छे से कवर कर दिया था। फिर हम घर पहुँचे 2-3 बजे और इस तरह से हमारा था ये टूर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्या करेंगे आप नहीं करेंगे।